मेरे इस YouTube के चैनल्स को इस रेड वाले बटन को दबाकर और मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशंस अपने मोबाइल पे सबसे पहले पाएं। स्वागत है दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जो मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है इन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस जो है चैप्टर वो बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट रखता है। एवरी एग्ज़ाम में प्रॉफिट एंड लॉस से दो या तीन क्वेश्चन निश्चित ही रहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर जो है उस लाभ या हानि जो चैप्टर है उसको बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस बेस पे रखना होगा, जिससे कि अगर एग्ज़ाम में कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस से कोई भी सम हो तो उसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसलिए मैं आपके लिए आज प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर लेकर आया हूँ। तो मैंने यहाँ पर कुछ प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड फार्मूलेस लिख दिए हैं, जिसको आप नोट कर सकते हैं। उसको मैं समझा भी दूंगा कि कौन सा जो फार्मूला है किस तरीके से सम में यूज़ होगा। तो सबसे पहले एक नंबर को देखते हैं, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, जब हम किसी आर्टिकल्स को बॉट करते हैं, खरीदते हैं तो कोई किसी निश्चित प्राइस पे, तो वो क्या होता है, क्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस क्या होता है, जब हम किसी आर्टिकल्स को बेचते हैं, सेल करते हैं, विक्रय करते हैं किसी निश्चित दाम पे, तो वो विक्रय मूल्य होता है। तो प्रॉफिट और गेन लाभ तो क्या होता है, जब हम किसी सामान को 100 रुपये में खरीद कर और उसे 120 रुपये में बेचते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा लाभ होता है। उसी प्रकार जब हम किसी सामान को, हानि क्या होता है, जब हम किसी सामान को 100 रुपये में खरीद के 80 रुपीज में बेच देते हैं तो उसमें क्या होता है, हानि। यानी कहने का मेरा मतलब क्या है दोस्तों, प्रॉफिट जो होता है ऑलवेज जो होता है, प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस जो है ऑलवेज इंक्रीज टू कॉस्ट प्राइस, मतलब कि सेलिंग प्राइस जब कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा तो मेरा प्रॉफिट होगा, और जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से छोटा होगा तो मेरा हानि होगा। तो ये था कुछ 1 से 4 तक मेरे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड गेन एंड लॉस से कुछ रिलेटेड बातें। उसके बाद 5 नंबर को देख लेते हैं, गेन और लॉस ऑलवेज रिकॉर्ड ऑन सीपी, मतलब कि गेन और लॉस जो है हमेशा किस पे आधारित होगा, सीपी पे। कभी भी लाभ निकालना हो या हानि निकालना हो तो हमेशा सीपी पे ही निकलेगा, ठीक है। सीपी को हमेशा आधार रखेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं फार्मूला को प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में गेन एक नंबर है। गेन कैसे निकालेंगे, तो गेन इक्वल टू होता है गेन इनटू 100 बाई में सीपी। जैसे कि मैंने कहा कि कभी भी गेन हो या लॉस हो, हम सीपी को आधार समझ के उसका फार्मूला को सेट करेंगे। तो जब गेन निकालना होगा तो गेन इनटू 100 बाय में सीपी, और जब लॉस होगा तो लॉस इनटू 100 बाय में सीपी। तो ये था 1 और 2 नंबर का जो फार्मूला था। उसके बाद 3 नंबर जो फार्मूला है उसमें सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो क्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है, एसपी इनटू 100 बाय 100 प्लस गेन परसेंट। ये कब होगा, जब हमें लाभ प्राप्त होगा, लाभ के आधार पे सीपी जब निकलेगा। उसी प्रकार सीपी एसपी कैसे निकलेगा, तो एसपी जो है सीपी इनटू 100 प्लस गेन परसेंट बाय में 100, यानी जब लॉस, जब ये दोनों जो सीपी और एसपी जो है जब लाभ होगा तो इस बेस पे ये फार्मूला यूज होगा। उसके बाद 5 नंबर देखते हैं, सीपी जब लॉस होगा इस बेस पे कैसे निकालेंगे, तो एसपी इनटू 100 बाय में 100 माइनस लॉस परसेंट। ये जब लॉस होगा तब हम क्रय मूल्य के आधार पे इस फार्मूला को सेट करेंगे। इसके बाद 6 नंबर जो है फार्मूला नंबर 6, वो एसपी लॉस पे आधारित है। तो इस पे कैसे, जब लॉस होगा तो ये फार्मूला का सेट करेंगे, एसपी इक्वल टू सीपी इनटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज बाय में 100। तो इस प्रकार से जो 6 फार्मूले हैं मेरे, गेन, लॉस, सीपी रिलेटेड गेन, एसपी रिलेटेड गेन और सीपी रिलेटेड लॉस एंड एसपी रिलेटेड लॉस परसेंट, तो ये जो फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप
बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आगे जो भी मैं सम कराऊंगा उसमें ये लगने वाले हैं, तो इसको आप बढ़िया तरीके से याद कर लीजिए। चलिए आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं जो ये फार्मूलेस पे। चलिए सम को देख लिया जाए, तो पहला जो सम है वो है ए टेबल इज बॉट फॉर ₹950 एंड सोल्ड एट ₹1140, फाइंड गेन पर परसेंट। मतलब कि एक टेबल्स को खरीदा गया है ₹950 में और उसको बेचा जा रहा है ₹1140 में, तो डेफिनेटली इसमें क्या होगा, गेन होगा। बिकॉज दोस्तों मैंने आपको इस फार्मूला में ही समझाया था कि गेन जो है हमेशा, गेन में क्या होगा, SP इंक्रीजेस CP। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि CP जो है वो SP से छोटा है, यानी कम दाम में खरीद कर ज़्यादा में बेचा गया, तो मेरा क्या होगा यहाँ पर, ये गेन होगा। तो गेन का फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोगों को, अगर आपने उसे नोट किया होगा या याद किया होगा तो आप उस फार्मूले के आधार पे इस सवाल को पुट करिए, ये सम बन जाएगा। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। तो गेन बराबर क्या होता है, गेन परसेंट इनटू 100 बाई में CP। तो यहाँ पर गेन कितना है, गेन कैसे निकलेगा, तो SP माइनस CP। SP माइनस CP को करने से मेरा गेन कितना हुआ, कितना रुपया में कितना गेन हुआ, तो वो निकल जाएगा। तो मेरा कितना हुआ गेन, SP में से CP को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर मेरा गेन जो हो रहा है वो 190 हो रहा है। तो 190 को ऊपर में गेन परसेंट के जगह पे लिख देते हैं, इनटू 100 बाई में CP। CP कितना है मेरा, 950। इस तरह इसको कटा लेते हैं तो यहाँ पर 20% मेरा क्या हो जा रहा है, 20% गेन हो जा रहा है। अगला जो क्वेश्चन है, इसी तरह अगला जो क्वेश्चन है वो है ए सीप इज बॉट फॉर ₹1020 एंड सोल्ड एट 850, फाइंड द लॉस परसेंट। जैसे कि बोला जा रहा है कि सीप को खरीदा गया है ₹1020 में और उसको बेचा जा रहा है ₹850 में, तो इसमें मेरा क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है, क्योंकि मैंने एक सीप को जो ख़रीदा था ₹1020 में और उसको मैं बेच दे रहा हूँ ₹850 में, तो लॉस परसेंट इसका क्या हो। तो यहाँ पर ये लॉस परसेंट के फॉर्मूले से इसको निकाला जा सकता है। तो चलिए लॉस परसेंट के फॉर्मूलों को पुट करके इसको निकाल लिया जाए। तो यहाँ पर देखिए लॉस पर, जब मेरा लॉस हो जा रहा था, यहाँ पर CP इंक्रीजेज SP, मतलब CP बड़ा हो जा रहा है SP से, तो SP में से CP को घटा लीजिए, मेरा SP के से CP को घटाएं तो कितना हो जा रहा है, 170। तो लॉस परसेंट के जगह पे जो है 170 इंटू 100 बाई में CP। तो यहाँ पर कितना आ रहा है मेरा आंसर, मेरा आंसर यहाँ पर आ रहा है 16 बाई 16, सही, मतलब 16 सही 2/3% मेरा लॉस हो रहा है, ये लॉस परसेंट, इसका आंसर यही होगा। चलिए इसके बाद वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्या है ये, ए बैट इज बॉट फॉर ₹75 एंड सोल्ड एट ए गेन ऑफ 8%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। मतलब एक बैट खरीदा गया है ₹75 में और उसे कितना में बेचने पर मुझे 8% का प्रॉफिट होगा, तो इसका सेलिंग प्राइस निर्णय कीजिए। तो ये सम जो है, ये आपको जो मैंने पिछले फॉर्मूले जो लिखाया है वो याद होगा, तो रिलेटेड प्रॉफिट्स, मतलब सेलिंग का जो फार्मूला है वो रिलेटेड प्रॉफिट से इससे निकाला जाएगा। तो क्या करना होगा यहाँ पर, तो सेलिंग SP का फार्मूला क्या होता है, CP इंटू 100 प्लस गेन बाई में 100। ये इस फार्मूला के आधार पे इस सम को आसानी से हम इसके आंसर को
निकाल सकते हैं। तो पुट कर लीजिए वो फार्मूला को। तो पुट करने के बाद जो मेरा काट कर बेटा जो मतलब आंसर आएगा वो आएगा 81, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो 81 होगा। तो 75 रुपीस में खरीद कर उसे 81 रुपीस में बेचने पर मुझे 8% का गेन होगा। अगला जो है क्या है, ए चेयर इज बोट फॉर ₹750 एंड सोल्ड एट लॉस ऑफ 60%, फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। मतलब कि दोनों का ही सेलिंग प्राइस निकालना है, लेकिन एक पे प्रॉफिट हुआ है एक पे लॉस हुआ। तो ये लॉस वाला को चलिए देख लेते हैं लॉस के फॉर्मूले के आधार पे। तो लॉस तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस का फार्मूला लगा देंगे विक्रय मूल्य का। तो क्या होगा इसका फार्मूला, तो CP इंटू 100 माइनस लॉस पाई में 100। तो इस आधार पे इस सम को कटा लेंगे। कटाने के बाद जो आएगा मेरा कितना आंसर होगा, आंसर होगा मेरा 705, यानी कि मैं एक चेयर को ₹750 में ख़रीदा था और उसे मैंने बेचा ₹705 में, जिससे मुझे 6% का लॉस हो गया। तो ये दोनों सम थे जो एक सेलिंग पे प्रॉफिट थे। जो सम है रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस से, चलिए उसको देख लेते हैं क्या है। बाई सेलिंग ए वॉच फॉर ₹1440 ए मैन लूजेज 10% एंड व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 5%। मतलब कि दोस्तों एक सामान, एक बाई सेलिंग ए वॉच मतलब कि एक घड़ी को बेचा जा रहा है जो है ₹1440 में। तो एक मैन को क्या हो जा रहा है, एक आदमी को क्या हो रहा है, 10% का नुकसान हो जा रहा है। तो उसी को कितना भी बेचने पर उसे 5% का गेन होगा। तो मतलब कि कहने का मतलब दोस्तों इस सम में जो है एक बार मुझे CP और एक बार SP निकालना होगा। मतलब दो चीज़ हमें निर्णय करने होंगे इस सम में। तो चलिए देख लेते हैं। तो अब सबसे पहले CP के फॉर्मूला जो लॉस पर आधारित, उसको हम यहाँ से पुट करके फाइंड आउट कर लेंगे। तो उसका फार्मूला क्या होता है, तो उसका फार्मूला होता है SP इंटू 100 बाई में 100 माइनस लॉस परसेंट। तो यहाँ से मेरा जो है CP फाइंड आउट हो जाएगा।